बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज ये फर्स्ट ईयर है और उर्दू का गेस्ट पेपर है, डिस्कस करते हैं इसमें, तो उसको भी ज़रा देखें इसमें क्या है। शायरी पर तबसरा है, खसूसियात हैं, मीर तकी मीर होगा, गालिब होगा, इकबाल होगा, तो ये शोरा की खसूसियात आएंगी, ये देख लीजिएगा। तर्ज तहरीर की खसूसियात भी देख लें, सर सैद अहमद ख़ान है, मुंशी पीर चंद है, ख्वाजा हसन निज़ामी है, ये तर्ज तहरीर की खसूसियात। अब ज़रा देख लें इसके बाद आएगा खुलासा, खुलासे में क्या क्या आएगा। फाके का रोज़ा हो गया, ख्वामा ख्वा की लड़ाई और बेगम की बिल्ली, ठीक है। चार देखे, मरकज़ी ख्याल, मर्द मुस्लिम है शायद, चुपकी दार, नवाए फरोश और रहे नाम अल्लाह का। तो ये क्या है, मरकज़ी ख्याल थे नंबर चार पे, आप देख लीजिएगा। पांच ज़रा देखिए, नंबर फाइव इकतबासात कौन कौन से आएंगे वो भी ज़रा देखिए। इसमें सबसे पहले देखिए कौमी इतफाक़ आ जाएगा, एंड नंबर टू देखें ज़बान गोया है, नंबर थ्री देखें फाके में रोज़ा, और नंबर फोर देखें कुछ ज़रिया तालीम के बाद में। तो ये था आपका इकतबासात यही आएंगे आपके गेस्ट पेपर में जो है, तो इसी को याद कर लीजिएगा, हो सकता है यही सारे आ जाए, इनमें से कोई से एक दो आ जाए। नंबर सिक्स देखिए, ये अशार की तशरीह है, तो इसमें गज़लें देख लें। मिर्ज़ा गालिब का सबसे पहले इसमें जिक्र है, शहनशाह गज़ल मिर्ज़ा गालिब जो हैं। तो नंबर वन पे क्या है, गालिब है, नंबर टू पे क्या है, मीर तकी मीर है, और नंबर थ्री पे क्या है, ख्वाजा मीर दर्द हैं, ये शोरा हैं सारे, और नंबर फोर पे कौन है, हसरत मोहानी, मौलाना हसरत मोहानी, हिंदुस्तान मोहान के रहने वाले थे हसरत मोहानी। तो ये शोरा हो गए। तो देखें सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, शायरी पर तबसरा देखा हमने, इनकी खसूसियात थी। नंबर टू देखिए तर्ज तहरीर की खसूसियात कौन कौन थे, फिर इसके बाद हमने देखा खुलासा कौन कौन है, मरकज़ी ख्याल था, मरकज़ी ख्याल में हमने देखा इकतबासात थे। नंबर सिक्स पे देखा हमने शोरा, शायर कौन कौन से होंगे, इनकी तशरीह, इनकी गज़लें वगैरह आप देख लीजिएगा। नंबर सात पे आइए अब बंद की तशरीह में, ज़रा देखें बंद में क्या क्या आएगा। चांद मेरी ज़मीन, तो चांद मेरी ज़मीन है नंबर वन, बंद की तशरीह है कि चांद मेरी ज़मीन बंद होगा या कोई नज़म वगैरह होगी उसमें से आ जाएगा। प्याम लतीफ़ नंबर टू है, नंबर थ्री है यारब चमन नज़म को गुले ज़ार आरम कर। तो ये आपके पास है उर्दू का गेस्ट पेपर है, जहाँ तक कि एमसीक्यूज़ का सवाल है, तो आप एमसीक्यूज़ 10 ईयर से देख लीजिएगा, ये सिर्फ टारगेटेड पेपर था। एमसीक्यूज़ क्या कर सकते हैं आप 10 ईयर से देख सकते हैं, इसके बाद जो सवाल जवाब आएंगे वो भी आप 10 ईयर वगैरह से देख लीजिएगा। तो ये सिर्फ क्या है, जो मेन मेन चीज़ें थी मैंने आपको बता दी।